कृपया दोनों कृपया दो दो की रूम में ही इस रैली में शामिल हों और सुव्यवस्थित रूप से इस रैली को संपन्न करने में योगदान दें। हम यहाँ से जागरूकता का संदेश लेकर इस बार महान रैली के साथ यहाँ पर ताकि हम इस दुर्घटना से बच सकें और अपने परिवार के लिए हमेशा हम सतर्क बने रहें, यही उम्मीद के साथ हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जिस तरीके से जो है लोगों का हमें पार्टिसिपेशन मिला है, तो हम यह चाहेंगे कि कल से यदि छिंदवाड़ा में कोई व्यक्ति अपने घर से निकल रहा है, हेलमेट लेके निकल रहा है, चाहे मेरे घर का व्यक्ति हो चाहे किसी भी घर का व्यक्ति हो, और एक सुरक्षित और सुंदर छिंदवाड़ा हम लोग इस तरीके से बनाने का लोगों की मदद से प्रयास करें। यही संदेश देना चाहेंगे कि हेलमेट लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। आम जनता को क्या सोचा था? आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप हेलमेट का प्रयोग करें। हेलमेट अगर आप लगा कर चलते हैं तो आप सेफ रहेंगे। कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपका जो वाइटल पार्ट है हेड इंजरी नहीं होगी, जिससे मृत्यु की संभावना कम रहेगी। इसलिए गाड़ी ड्राइव करते वक्त आप यातायात नियमों का पालन करें, सेफ और सुरक्षित चलें। क्योंकि मैंने भी आज एक यह छोटा सा मैं प्रयास करना चालू करूंगा कि यदि किसी को गिफ्ट देना है, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई पार्टी हो या कोई कार्यक्रम है, मैं यह प्रयास करूंगा अपनी ओर से या निगम की भी ओर से कि ऐसे कार्यक्रमों में हम उनको हेलमेट दें। क्योंकि आज मैंने देखा कि मेरे यहाँ के 4 कर्मचारी जो कि बिना हेलमेट लगाए काम पर आ रहे हैं, सिर्फ 2 के पास हेलमेट था। तो यहीं से मुझे भी एक सीख मिली और मैं यह चाहूँगा कि आप सभी लोग भी एक सीख लें और कल से जो चालानी कार्रवाई होने वाली है उससे बचें। और जो छोटे बच्चे हैं, मैं उन माँ पिताजी जो भी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को बिना लाइसेंस के यदि गाड़ी दे रहे हैं तो गाड़ी ना दें, और यदि गाड़ी दे रहे हैं लाइसेंस के साथ तो साथ में हेलमेट भी दें। इसी शर्त के साथ बच्चों को गाड़ी या लाइसेंस प्रोवाइड करें, अन्यथा उन्हें गाड़ी चलाने नहीं दें। ये इस चीज़ का सारे पेरेंट्स ध्यान रखेंगे। और जितने लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग हेलमेट गिफ्ट में दें या दूसरों को दें, या जो नहीं खरीद पा रहे हैं गाड़ी ज़रूर ले लिए हैं, या मान लो कुछ लोग खरीद पाते हैं लेकिन एक बेशर्मी वाली भी बात होती है कि नहीं लगाना है,
तो उन्हें अच्छे से हाथ जोड़ के गिफ्ट करें कि भैया ये लीजिए हेलमेट लगाइए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और आज मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कारण है कि जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं, जो कि इंटाइटल नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी उनके माता पिता उन्हें टू व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन दे देते हैं। हो सकता है कि वो एक्सीडेंट के शिकार न हो रहे हों, लेकिन उनको बचाने में कई निर्दोष लोग एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो छिंदवाड़ा की रोड इतनी अच्छी है वो सेफ भी हो हमारे लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम यातायात नियमों का पालन करें। और जो नियम है इसमें 5-6 चीज़ें जो हम लोगों ने बताई हैं, अगर इस पर हम लोग ध्यान दे दें तो ऑटोमेटिकली रोड एक्सीडेंट की और रोड एक्सीडेंट में मरने वालों संख्या में बहुत कमी आएगी। खास तौर से एक तो स्पीड लिमिट में चलाएंगे गाड़ी को, दूसरा हेलमेट का उपयोग करेंगे, तीसरा शराब पी के वाहन नहीं चलाएंगे, चौथा नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देंगे, और पांचवा ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। ओवरलोडिंग से मतलब है कि टू व्हीलर में 3 लोग बैठ गए या फिर जो मालवाहक वाहन भी हैं उसमें क्षमता से अधिक सामान लोड कर लिए, जिससे भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अगर और मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान दें तो छिंदवाड़ा की रोड्स बहुत ही सेफ हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाते ये वही लोग हैं जो खुद से प्यार नहीं करते, समझे। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगे ना, तुम्हें अपनी जान की कीमत पता होगी, फिर तुम्हें चिंता भी होगी कि यार मैंने अपने आप को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, जो ये घर में मेरा कोई इंतजार कर रहा है या फिर मेरे लाइफ की कुछ अहमियत है, मेरी खुद की कुछ अहमियत है, कुछ वैल्यू है। इसलिए अगर आप अपनी अहमियत समझते हो तो जाहिर सी बात है कि आप सिक्योर माहौल में रहना चाहोगे। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप यातायात नियमों का पालन करोगे और हेलमेट लगा के चलोगे। मेरा आप सभी के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले की, जो कि कल से हम लोग बहुत ही व्यापक पैमाने पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाएंगे, और इसमें स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जीरो टॉलरेंस, चाहे वो पुलिस विभाग का भी आदमी हो, चाहे किसी अन्य सरकारी अफसर का भी आदमी क्यों ना हो।